गुड इवनिंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 11th क्लास की फिजिक्स में चल रही बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी लंबी यूनिट, जिसे मैंने पहले भी कहा है कि कराने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से बता रहा हूं, उसका आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 15 वीडियो लेक्चर है। जी हां, वो सभी स्टूडेंट्स क्लास 11th के जो मेरे द्वारा कराए जाने वाले, पढ़ाए जाने वाले सभी वीडियो लेक्चर्स को लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस यूनिट के अंदर अब तक मैं सॉलिड्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स अच्छे से खत्म करा चुका हूं और आज जो मैं करा रहा हूं वो अभी रिसेंटली शुरू हुआ टॉपिक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आज तीसरा भाग है। जी हां, टुडेज लेक्चर इज द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। एंड अगर मैं पूरी यूनिट की बात करूं तो पूरे यूनिट के सीक्वेंस में ये 15वां वीडियो लेक्चर है और आज का वीडियो लेक्चर हमारे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में शुरू किए गए टॉपिक का एक कंटिन्यूड हिस्सा है। हालांकि आज हम कुछ नया जरूर पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे वो पिछले पढ़ाए गए टॉपिक का ही कंटिन्यूड हिस्सा है। एक बच्चा कहता है, सर जैसे कि आपने इससे पहले क्या कराया था, तो अगर आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो मेरी सजेशन है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वाले अपलोड किए गए लिंक्स को क्लिक कर पहले दिए गए समझाए गए वीडियोस को देखना ना भूले। मैंने शुरू कराया था टॉपिक जिसका नाम था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। हां जी, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। और जब हमने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से उस सॉलिड में या उस सॉलिड की लेंथ में बदलाव आ सकता है, जिसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। उस सॉलिड के या उस सॉलिड की एरिया में बदलाव आ सकता है, जिसे हम कहते हैं एरियल एक्सपेंशन। और उस सॉलिड की वॉल्यूम में बदलाव आ सकता है, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूम मेट्रिक एक्सपेंशन। सो हमने तीन चीजें इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में स्टडी करी थी और मैं जो बातें दोहरा रहा हूं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बातें काम आने वाली है। हमने पढ़ा था अल्फा, अल्फा मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और गामा मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये तीनों का क्या मतलब है मैं बखूबी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, इसलिए दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो उसे देखना ना भूले। आज हम लोग जो एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे हैं या एक्सपेंशन के ही टॉपिक में मैं जो नई चीज आज शुरू करने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं तीन टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जो तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। दूसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा Anomalous expansion of water। एक बच्चा बोला काफी अजीब लग रहा है सुनने में, मतलब क्या है, समझ जाओगे। और तीसरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको effect on the density of solids and liquids on increasing the temperature। यानी temperature को बढ़ाने पर किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज, तो हीट का जिक्र तो होगा ही होगा और टेम्परेचर का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बेसिक बातें हीट और टेम्परेचर से ताल्लुकात रखने वाली बार बार दोहराई जाएंगी। जब मैं आज का वीडियो लेक्चर खत्म कर दूंगा तो इसी यूनिट का अगला भाग जो मैं शुरू करूंगा बच्चों, दैट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अपने आप में एक नया टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस यूनिट का, जो आपको कराया जाएगा आफ्टर फिनिशिंग टुडेज वीडियो लेक्चर। तो चलो जी, बहुत हुआ इंट्रोडक्शन, बहुत हुआ पुरानी बातों का रिवाइज कराना, अब क्यों ना हम करें आगे का फसाना, मतलब कि शुरू करें अपनी कहानी विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर नंबर है इसे मैं नाम देना चाहूंगा, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। पार्ट 3 ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज यानी थर्मल प्रॉपर्टीज के टॉपिक में या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के टॉपिक में मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला आज का ये वीडियो लेक्चर है, पार्ट 3 वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, टॉपिक नंबर 1।
टॉपिक नंबर वन को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, खास करके कोरोना के टाइम पे आपने अपने सुरक्षा के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए बहुत बार लिक्विड को एक्सपेंड किया है। एक बच्चा कहता है भला मेरी इम्यूनिटी के लिए लिक्विड के एक्सपेंशन से क्या लेना देना? क्यों भाई, पूरे देश ने अपने आप को बचाने के लिए काढ़ा बना के पिया है। काढ़ा समझते हैं ना, वो आप गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी में आप अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, नींबू डालते हैं, तुलसी डालते हैं और न जाने क्या क्या डालते हैं और काढ़ा बना के पीते हैं ताकि आपके शरीर को इम्यूनिटी प्रदान हो। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब जब आपने अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गर्म पानी किया है, तो गर्म पानी जब भी हम करते हैं तो किसी बर्तन में करते हैं और जिस बर्तन में हम गर्म पानी करते हैं वो बर्तन ऑब्वियसली बात है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो हम ये मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, हमें दिख ही रहा होता है कि जब भी किसी भी लिक्विड को किसी बर्तन में या किसी भी चीज में, किसी सॉलिड में गर्म किया जाता है तो लिक्विड फैलता है। फैलता मतलब उबलता है। क्या आप ये इस बात से स्वीकार कर लेंगे कि लिक्विड की वॉल्यूम बढ़ रही है? एक बच्चा कहता है सर हाँ, दिखता है साफ साफ कि दूब दुबल के ऊपर आता है, यानी पहले उसने जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी थी अब वो उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। पहले वो एक दूसरे के काफी नजदीक होता है, अब वो फैलने की कोशिश करता है। मानते हो ना ये बात? क्योंकि आंखों से नजर आती है इसलिए मान जाते हो। मेरा अगला स्टेटमेंट सुनो, फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है कि जब भी किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में उबाला जाता है या गर्म किया जाता है या हीट किया जाता है तो उसका जो एक्सपेंशन होता है ना वो सिर्फ उसका नहीं होता, उसका जो एक्सपेंशन होता है वो सिर्फ उसका नहीं होता, अबे फिर किसका होता है? क्योंकि आप जो हीट कर रहे हो वो सॉलिड को भी कर रहे हो और लिक्विड को भी कर रहे हो, तो जो हो रहा है वो एक्चुअली में एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं। मतलब ये कि जो गर्म हो रहा है वो सिर्फ पानी नहीं है, वो कंटेनर भी है जिसमें पानी पड़ा है। मतलब आप कहना चाहते हो सर कि लिक्विड के एक्सपेंशन के साथ साथ सॉलिड का एक्सपेंशन भी कहीं ना कहीं हो रहा है? हाँ, उस हिसाब से तो हमारे उस बर्तन को रोज गर्म करने के बाद बड़ा 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 होता हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या आपको उसमें उसकी वॉल्यूम में आने वाला बदलाव इतनी जल्दी नजर आया? क्या नहीं, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है तो बहुत जल्दी आपको वो बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सो दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि जब किसी कंटेनर में किसी लिक्विड को उबाला जाता है तो उस कंटेनर में पड़ा हुआ लिक्विड एक्सपैंड हो जाता है। उस लिक्विड के एक्सपेंशन को कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। हाँ यार, लिक्विड के एक्सपेंशन को यही तो कहोगे एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, लेकिन क्या वो असली में वही है जो हो रहा है या उसमें सॉलिड का एक्सपेंशन भी शामिल है? तो रियलिटी में होता यह है कि जो उसका एक्सपेंशन है वो सिर्फ उसका नहीं है, उसमें सॉलिड का एक्सपेंशन भी शामिल है। इसलिए हम ये कहते हैं कि लिक्विड का जो एक्सपेंशन है वो एक एपरेंट एक्सपेंशन है, एपरेंट एक्सपेंशन। एक बच्चा कहता है सर एपरेंट के बारे में फोकस क्यों कर रहे हो? मान लो कि सॉलिड एक्सपैंड नहीं कर रहा, जब सॉलिड एक्सपैंड नहीं करता तो उसे कहा जाता है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब सुनो मैं क्या समझाने जा रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। व्हेनेवर अ लिक्विड केप्ट इन अ कंटेनर, व्हेनेवर अ लिक्विड केप्ट इन अ कंटेनर इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जब किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में रखकर उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, then its volume increases, that is it undergoes expansion. It undergoes expansion along with the expansion of the container. यानी जिस कंटेनर में आपने उस पानी को रखा है या मुझे कहना चाहिए उस लिक्विड को रखा है वो कंटेनर भी एक्सपैंड करता है। सो देयरफॉर जो एक्सपेंशन हमें मिलता है,
जो एक्सपेंशन हमें मिलता है, इट इज नॉट द असली एक्सपेंशन, इट इज नॉट द असली, असली कहूं या रियल कहूं, इट इज नॉट द असली और रियल एक्सपेंशन ऑफ दैट लिक्विड, ऑफ दैट लिक्विड, रादर इट इज अ कॉम्बिनेशन, rather it is a combination of expansion, rather it is the combination of expansion. अबे ठीक है, it is the combination of expansion किस चीज का? Of liquid and container, of liquid and container, जिसमें उसे रखा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ, this means उस expansion को कहा जाता है apparent expansion, बिल्कुल सही, उसे कहा जाता है apparent expansion, यानी जो सच नहीं है। तो apparent expansion of liquid में दो चीजें शामिल है, पहली चीज real expansion, पहली चीज रियल एक्सपेंशन, किस चीज का रियल एक्सपेंशन? रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो होगा प्लस एक्सपेंशन, अबे किस चीज का एक्सपेंशन? प्लस एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो हो रहा है प्लस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, यानी कंटेनर का भी एक्सपेंशन हो रहा है और लिक्विड का भी एक्सपेंशन हो रहा है, और लिक्विड के एक्सपेंशन और कंटेनर के एक्सपेंशन को मिलाकर कहा जाता है एपरेंट एक्सपेंशन। आई होप ये बात समझ आई, ये कोई बहुत अलग बात नहीं है, एक इंपॉर्टेंट बात है, एक सिंपल बात है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जाके बताना प्रेफर कर रहा हूं। व्हाट इज नेक्स्ट दैट यू मस्ट नोट डाउन? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसमें दो चीजें होती है, एक चीज जिसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन जिसका फॉर्मूला होता है, सुनना मेरी बात, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, एक्सपेंशन इन रियल वॉल्यूम, यानी एक्चुअली में कितना एक्सपेंशन हुआ डिवाइडेड बाय, सुनना मेरी बात, एक्सपेंशन इन रियल वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय एक्स या डिवाइडेड बाय ट्रू वॉल्यूम, यानी डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, यानी उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, मल्टीप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर, मल्टीप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन और इसका सिंबल होता है गामा आर। ठीक इसी के जैसा या ठीक इसी के साथ हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन होता है आपका एक्सपेंशन इन एपरेंट वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं कि एपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, इसे आप एक्सपेंशन इन एपरेंट वॉल्यूम कहिए या एपरेंट एक्सपेंशन कहिए, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर, इसका सिंबल गामा आर, इसका सिंबल गामा ए। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार मैं कहता हूं कि भूल लीजिए, दो बार मैं कहता हूं कि एक बार देख लीजिए कि क्या हो रहा है यहां पे जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा बोर्ड लेके आपको जो समझाने की कोशिश की जा रही है ना, उसका एक ही मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी हो सके, आपको चीजों का मतलब समझ आ सके, आपको टॉपिक बोर नहीं लगना चाहिए, इंटरेस्टिंग चीजें यार फिजिक्स में जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो बता रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझ आए। दैट इज वाई ये जो गामा आर है और गामा ए है, ऑब्वियस सी बात है कि कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, और जो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन है वो हमें बताएगा कि एक्चुअल में वॉल्यूम कितना एक्सपैंड करी है, और एपरेंट एक्सपेंशन मतलब जो हमें लगेगा कि वो एक्सपैंड करी, क्योंकि एक्चुअल में जो एक्सपेंशन हुआ होगा उसमें शामिल होगा कौन, वो जो हमें दिख रहा है और वो जो साथ साथ हो रहा है। प्लीज एक बार देख लीजिए, है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ लीजिए। तो रियल एक्सपेंशन में शामिल है, रियल एक्सपेंशन में शामिल है एपरेंट एक्सपेंशन प्लस उस कंटेनर का एक्सपेंशन, तो मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन प्लस कोफिशिएंट ऑफ, यहां पे हम लोग जी लिख देते हैं, तो मैं आपको हर एक चीज का पहले मतलब समझा देता हूं। तो ये कहलाता है
रियल एक्सपेंशन, ये कहलाता है रियल एक्सपेंशन, ये कहलाता है एक्सपेंशन जो एपरेंट हुआ, एक्सपेंशन जो एपरेंट हुआ, और ये कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। तो ऑब्वियस सी बात है एक्चुअली में तो पानी और वो कंटेनर जिसमें पानी रखा है, एक्चुअली में पानी को अगर मैं दो मिनट के लिए यहां से एग्जाम्पल के तौर पर हटा दूं, तो एक्चुअली में वो लिक्विड और वो कंटेनर जिसमें वो लिक्विड रखा गया है दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं। तो रियल एक्सपेंशन में वो चीज शामिल है जो हमें दिख रही है, प्लस साथ ही साथ वो भी शामिल है जो एक्चुअली में हो रही है लेकिन दिख नहीं रही है। कंटेनर का एक्सपेंशन दिखता नहीं है लेकिन होता है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों को हमारे इस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के तीसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाने वाला ये बेसिक टॉपिक, पहला टॉपिक आपको समझ आ गया। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स या एक्सपेंशन ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो उन पे डिस्कस किए जाने वाली बातें या उनके बारे में बताए जाने वाली बातों का सिलसिला रुका नहीं फिजिक्स में। इनफैक्ट एक और बहुत प्यारी सी चीज है जो एक्सपेरिमेंटल तौर पे दुनिया के सामने आई और जो लोगों ने सोचा था कि हां ऐसा ही होगा, वो नहीं हुआ, हुआ कुछ और। अगर किसी चीज का बिहेवियर वो आपको ना मिले जो आप उम्मीद करते हो तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं यार व्हाट एन नॉर्मल बिहेवियर यार, दिस मींस यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग नॉर्मल टू हैपन। ऑब्वियसली बात है अगर हम किसी चीज के नॉर्मल होने की उम्मीद करते हैं और वो अचानक से कुछ और हो जाती है तो हम कहते हैं यार व्हाट एन एबनॉर्मल बिहेवियर यार, दिस मींस दैट योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉर्मल। अब आपको अगर मैं कहूं कि पानी को गर्म करने पर पानी उबलेगा, आप कहोगे कॉमन सेंस है, पानी को गर्म करने पर पानी उबलेगा। दूसरा पॉइंट, अब मैं आपको कह रहा हूं कि पानी को गर्म करने पर पानी एक्सपैंड होगा, आपने कहा ऑब्वियस सी बात है कॉमन सेंस है पानी को गर्म करने पर पानी एक्सपैंड होगा। तीसरा पॉइंट, मैं इंग्लिश में बोलूंगा व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द टेंपरेचर देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, सही बात, व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द टेंपरेचर देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। जैसे जैसे तापमान किसी लिक्विड का तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे उस लिक्विड की वॉल्यूम तुम ज्यादा पाओगे, जो लिक्विड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो उसकी डेंसिटी घट जाएगी। डेंसिटी समझते हो ना, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो फॉर्मूला है लेकिन डेंसिटी का सही मायनों में मतलब होता है कि किसी भी गिवन मैटर के पार्टिकल्स, डेंसिटी का सही मायनों में मतलब होता है कि किसी भी गिवन मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के कितना पास है। जैसे जंगल में जाओ तो जंगल को इंग्लिश में डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है, हिंदी में घना जंगल कहा जाता है, क्योंकि जंगल में पेड़ झाड़ियां पत्थर कंकड़ कांटे पेड़ पौधे सब एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, कोई खुला खुला नहीं बैठे होते, वो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। तो अगर मैं किसी भी एक मैटर की बात करूं, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड में पार्टिकल्स एज कंपेयर टू लिक्विड ज्यादा नजदीक होते हैं, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए बहुत नजदीक होते हैं। तो आप खुद सोच के देखो कि जब किसी सॉलिड को हम हीट करेंगे तो हीट करने पर उसके पार्टिकल्स दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर जाएंगे मतलब पहले वो जितनी जगह घेर रहे थे अब उससे ज्यादा जगह घेरेंगे, मतलब कि उनकी वॉल्यूम बढ़ेगी, और क्योंकि उनकी वॉल्यूम बढ़ रही है यानी पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं मतलब अब वो फैल रहे हैं, यानी उनके बीच में खुलापन आ रहा है। पहले वो पास पास थे, पहले उनकी डेंसिटी ज्यादा थी, अब उनकी डेंसिटी कम हो रही है। तो ये बात तो कहने में मुझे कोई हर्ज या हेजिटेशन नहीं होगा कि जैसे जैसे किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और उसकी डेंसिटी घट जाती है। अब बताओ ये सारी बातें नॉर्मल लग रही हैं या एबनॉर्मल लग रही हैं? एक बच्चा कहता है सर इतने प्यार से समझाओगे, इतने अच्छे से समझाओगे तो कौन सी बात एबनॉर्मल लगेगी, और आपने कौन सी बहुत बड़ी अलग बातें कह दी, बेसिक बात कहिए इतना तो हम अपने कॉमन सेंस से भी एनालाइज कर सकते हैं। आओ कहानी में ट्विस्ट है। एक बच्चा कहता है कहानी में ट्विस्ट है, मतलब आप ये मत कहना कि टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी घटेगी नहीं, टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगी नहीं। अगर मैं कहूं तो मतलब आप कहना क्या चाहते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो टॉपिक मैं करा रहा हूं उसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ वॉटर।
यानी वाटर को कायदे से क्या होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए। होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से होता है, मतलब कि एबनॉर्मली होता है। एबनॉर्मल क्यों हो रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने में तो वॉल्यूम एक्सपैंड होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती। होती है लेकिन ढंग से नहीं होती, इसलिए उसे कहा जाता है एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉटर, या कहा जाता है एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वॉटर। आइए हमारा आपके द्वारा या आपके लिए पढ़ाए जाने वाला टॉपिक नंबर टू, जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, आपने केवल सुनना है और आपको बातें समझ आ जाएंगी मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। यानी जो चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं टॉपिक नंबर टू, और उसका नाम है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कहूं या दूसरी भाषा में एनामलस, एनामलस एक्सपेंशन, एबनॉर्मल कहूं या एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वॉटर कहूं, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ग्राफ की मदद से दे सकता हूं। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं यहां पर सच दैट कि उस ग्राफ में इस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस रखा मैंने, इस पॉइंट को 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इस पॉइंट को 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इस पॉइंट को 15 डिग्री कर दिया, इसको 20 डिग्री कर दिया, और ऐसे करते 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 मैं आगे लेके चला गया एंड सो ऑन। और यहां पे मैंने मान लीजिए रख दी डेंसिटी, या तो डेंसिटी रख लीजिए या डेंसिटी छोड़िए, मैं काम करता हूं वॉल्यूम रखता हूं। अब कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से होना ये चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगी, हाँ फैलेगा, यानी कायदे से ऐसा ग्राफ आना चाहिए। हम यहां पे सोच रहे हैं दिस इज वॉट वी एज्यूम कि होना चाहिए, दिस इज वॉट वी एज्यूम कि होना चाहिए। एक बच्चा कहता है यार बात तो सही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बात तो सही है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगी और डेंसिटी कम हो जाएगी। यानी हम सोच रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी, ये हम सोच रहे हैं। बात तो सही है यार, गलत थोड़ी सोच रहे हो, बात तो सही है। किसी भी लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं, किसी भी लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं तो जब वो गर्म होगा तो हीट करने पर उसकी वॉल्यूम क्या होगी, एक्सपैंड होगी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, बात तो सही है। लेकिन पानी के साथ ऐसा ग्राफ नहीं बनता, मतलब कि ये गलत साबित हो जाता है। अब रियलिटी में क्या होता है आपको वो बताता हूं। रियलिटी में देखने को ये मिला क्या मिला, ये मिला मास्टर जी ये मिला, हुआ ये कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे हम ये मान के चल रहे थे कि जो लिक्विड हमारे पास है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपको क्या लगता है क्या वो लिक्विड होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो लिक्विड नहीं होगा, वो बर्फ होगा, वो सॉलिड होगा। तो आपको क्या लगता है कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मतलब उसकी डेंसिटी ठीक ठाक होगी। एक बार आप पहले इस बात को अच्छे से देखो फिर मैं इसका जवाब देता हूं, ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट उठ रहा हो ना तो वो क्लियर हो जाए। हैव अ केयरफुल लुक ऑन दिस, मैं स्क्रीन के आगे से हट जाता हूं ताकि आपको चीजें समझ आए, और आपको चीजें समझ आने के बाद बातें समझ आए। अब एग्जैक्टली होगा क्या, एग्जैक्टली होता यह है कि हम ग्राफ में यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो कायदे से पानी को जमा होना चाहिए, लेकिन भैया पानी अगर जमा भी होगा तो कुछ तो वॉल्यूम होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस में मान लो वॉल्यूम यहां पर है, मान लेते हैं वॉल्यूम यहां पर है, और 5 डिग्री सेल्सियस से पहले यह पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस का। अब कायदे से होना क्या चाहिए, कायदे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, बात तो सही है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। होता यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट से वॉल्यूम घटती है और फिर राइज करती है। एक बच्चा बोला भाई ये क्या हो रहा है,
मैंने भी यही कहा था कि अगर आप किसी चीज को नॉर्मली होना एक्सपेक्ट करते हो और हो कुछ जाता है तो उसे एबनॉर्मल माना जाता है। क्यों, कैसे, आओ समझाता हूं कि पानी के साथ ऐसा कैसे हो जाता है। एक्चुअली में पानी की जो मिनिमम वॉल्यूम होती है और मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पे देखी गई है। ऐसा इसलिए कि 4 डिग्री पे ऑलमोस्ट बर्फ का जो टुकड़ा है वो पिघलने की कगार पे होता है, वो 4 डिग्री पे भी जमा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जमा नहीं रहेगा, बर्फ तो 5 डिग्री पे भी जम जाती है, लेकिन 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री पे यह देखा गया है कि 4 डिग्री पे इट हैज बीन फाउंड, आई रिपीट माई सेंटेंस, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की वॉल्यूम मिनिमम होती है एंड डेंसिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आपका ग्राफ बढ़ना शुरू करता है जो कि नॉर्मल बिहेवियर है। दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर, बट व्हाट यू गेट टू सी हेयर इज अ एबनॉर्मल बिहेवियर। यानी कायदे से पानी को एक्सपैंड करना चाहिए था, लेकिन एक्सपैंड करने की बजाय उसकी वॉल्यूम बढ़ने की बजाय पहले घटी फिर बढ़ी, ये पानी के साथ हमें देखने को मिलता है। और ये बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, ये पानी का नेचर है, ये पानी का बिहेवियर है। अब एक बच्चा कहता है सर इससे फायदा क्या, हम क्या करें इस बिहेवियर का, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन पता है ये एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर आपके लिए इतना काम नहीं आएगा जितना एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काम आता है। कैसे, खास करके उन इलाकों में जहां बर्फ पड़ती है, और बर्फीले इलाकों में बर्फ पड़ने से आपने देखा होगा नदियां और तालाब बर्फ बन जाते हैं। अरे कश्मीर के डल लेक का एग्जांपल ले लो, कश्मीर का डल लेक आपने देखा होगा कि जनवरी दिसंबर फरवरी के मंथ में पूरा जम जाता है, और गर्मियों में लोग छुट्टियां मनाने कश्मीर पहुंच जाते हैं, डल लेक की खूबसूरती के नजारे का लुफ्त उठाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस लेक के नीचे मछलियां नहीं होंगी, क्या वहां पे एक्वेटिक जीवन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या वो जीवन कहीं छुप जाता है सर्दियों के मौसम में? एक्चुअली में क्या होता है मैं समझाता हूं। व्हेन एवर द टेम्परेचर बिगिंस टू राइज द लिक्विड मस्ट एक्सपैंड, बात तो सही है, whenever the temperature begins to rise the liquid must expand। अब होता क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में रहता है तो पानी जमी जाता है, बात तो सही है। यानी अगर 0 डिग्री का तापमान रहा तो पानी तब भी जमेगा, 1 डिग्री का तापमान रहा तब भी डल लेक जमा रहेगा, 2 डिग्री पे भी जमा रहेगा, 3 डिग्री पे भी जमा रहेगा, लेकिन 4 डिग्री पे बड़ा फायदा है। पूछो क्या, 4 डिग्री पे जो पानी की ऊपरी परत है जब वो जमेगी तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और आप अच्छी तरह जानते हो कि मैक्सिमम डेंसिटी वाली कोई भी चीज तैरती नहीं है, डूब जाती है। तो पानी की ऊपरी परत जब 4 डिग्री सेल्सियस पे जमी होगी तो वो ऊपरी परत अपनी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण पानी में डूब जाएगी। जब वो पानी में डूब जाएगी तो उस ऊपरी परत के नीचे वाला पानी जो अभी जमा नहीं है वो वापस से ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब कि जब वो पानी वापस से ऊपर आएगा तो अब वो जमने का इंतजार करेगा, क्योंकि वो तो अब पानी था जब वो नीचे था, और ऊपर का पानी बर्फ था जब वो ऊपर था, और ऊपर का पानी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नीचे आ गया। क्योंकि ऊपर की सतह का पानी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नीचे आ गया, तो नीचे का वो पानी जो अभी तक जमा नहीं था ऊपर आ गया। अब वो पानी जो नीचे का ऊपर गया अब वो जमने लगेगा, क्योंकि बाहर तो तापमान कम है, बाहर तो ठंड पड़ रही है, तो पानी फिर जमेगा। एक बच्चा कहता है सर फिर भी जम गया तो क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस जाके फिर नीचे गिर जाएगा? यही तो पॉइंट पकड़ना था। यही वजह है कि डल लेक की सिर्फ ऊपरी सतह जमती है जो कि बैलेंस होती रहती है, नीचे तक पानी नहीं जमता। इसलिए नीचे रहने वाले एक्वेटिक जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास अच्छा खासा तापमान
तापमान होता है जिसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब वो जमते नहीं है, मछलियां जमती नहीं है। सो दिस एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वॉटर इज द रीजन दैट वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव इवन इन द कोल्ड टेम्परेचर। आपने देखा होगा अंटार्कटिका में भी नेशनल ज्योग्राफिक में दिखाते हैं बर्फ की एक परत होती है और जब उसको छेद करते हैं या उसमें कूदते हैं तो नीचे पानी होता है। इसका मतलब कि पानी पूरा नहीं जमता, ऊपर जमकर फ्लोट करता है और जैसे ही उसकी डेंसिटी 4 डिग्री मैक्सिमम पे पहुंच जाता है फिर नीचे चला जाता है, फिर नीचे का पानी ऊपर आ जाता है, वो फिर जम जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस स्लो एंड स्टेडी होता है तो हमें कभी पता नहीं चलता। ऐसा नहीं कि जादू से हो जाएगा, आंखों का धोखा कि पता नहीं चलेगा, प्रोसेस स्लो एंड स्टेडी है। तो बताओ एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर काम आया कि नहीं आया, और जो मैंने समझाया वो समझ आया कि नहीं आया? एक बच्चा बोला सर नहीं थोड़ी सी दिक्कत हुई। अच्छा तो फिर एक काम करो, वीडियो को पीछे करो, रिमाइंड करो, मेरी बात को दोबारा सुनो, समझ आ जाएगी। ये किसने कहा कि एक बार में आपको समझना है चीजों को? आपको किसी ने मना तो नहीं किया? वीडियो को पीछे लेके जाओ थोड़ा सा, जो मैंने कहा उसे बहुत ध्यान से सुनो, आपको चीजें समझ आएंगी। अब यहां पे मैंने जो बात बताई है वो एक्चुअली में टेम्परेचर का इफेक्ट है। किस चीज पे? वॉल्यूम पे। तो कायदे से हमें ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ती है। अब सोच के देखो, वॉल्यूम बढ़ रही है तो पार्टिकल दूर जा रहे हैं। अगर पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, सुनना, अगर पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं मतलब उनकी डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो आंसर क्या आएगा? आप सिंपल शब्दों में कहोगे कि जब तापमान को बढ़ाया है जाता या किसी सॉलिड या किसी लिक्विड को गर्म है किया जाता तो गर्म करने के कारण उस सॉलिड या लिक्विड का पार्टिकल है दूर हो जाता, और जब पार्टिकल है दूर हो जाता मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाती। अब यही चीज अगर आपको प्रूव करने को कही जाए तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला आखिरी टॉपिक जो आपको ध्यान से सुनना है, टॉपिक नंबर 3 जिसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। यानी इस वीडियो में मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला टॉपिक नंबर 3 जिसे मैं कहूंगा इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड। हमने गैस का टॉपिक अभी तक शुरू नहीं किया, सारी बातें सॉलिड और लिक्विड पर चल रही हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो बातें मैंने बताई थी वो सॉलिड्स की बातें थी, आज का पूरा वीडियो लिक्विड्स पे निकाल दिया, अगला वीडियो जो आएगा गैसेस पे आएगा। तो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो जो मैं आपको हूं बताने जा रहा उसे सुनो। मान लो कि मेरे पास कोई लिक्विड है, तो मैंने यहां पर लिखा लेट अस कंसिडर अ लिक्विड और सॉलिड ऑफ मास एन ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ डेंसिटी रो एट टेम्परेचर टी। सो देयरफॉर density is equal to mass upon volume or volume is equal to mass upon density। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब सुनो ध्यान से, जब temperature बढ़ाया जाएगा that is T plus delta T हो जाएगा, तब वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी that is V plus delta V हो जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, so therefore new density will be new mass upon new volume।
सो न्यू डेंसिटी को मैंने लिखा डेंसिटी रो डैश मास अपॉन वी प्लस डेल्टा वी। ये अब आपके सामने मैंने लिखा है, सुनना मेरी बात। बट अब मैंने यहां लिखा बट हम जानते हैं, बट हम जानते हैं कि वॉल्यूम में आने वाला बदलाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होगा एंड वॉल्यूम में आने वाला बदलाव ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर होगा और डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी होगा। बिल्कुल सही, और डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी होगा। तो अगर डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी होगा तो डेल्टा वी की इस वैल्यू को उठाकर मैं यहां पुट कर सकता हूं। सो देयरफॉर न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वी प्लस गामा वी डेल्टा टी। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार देख लीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं या जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ आनी चाहिए, बातें क्लियर होनी चाहिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो वी यहां भी है, वी यहां भी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन वी कॉमन लिया 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दिस एम अपॉन वी, ये एम अपॉन वी, ये एम अपॉन वी कौन है? डेंसिटी। अगर ये m upon v डेंसिटी है तो हमें प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त होगा मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, तो हमें प्राप्त होगा कि डेंसिटी डैश इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और मैं कह सकता हूं कि न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू पुरानी डेंसिटी इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी का पावर माइनस 1। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार यहां तक मैं कहता हूं कि घूर लो, है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे से पूछ लो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट पे अटेंशन, ताकि ना हो मेरे किसी बच्चे को कोई टेंशन, ताकि आपको बातें समझ आए। अगर मैं इसे बाइनोमियली सॉल्व करता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्विंग बाइनोमियली। बाइनोमियली आप समझ पाओगे जब हम मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। एक बच्चा कहता है मेरे पास तो मैथ्स ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आएगा। कोई बात नहीं, याद रखो कि किसी भी एक्सप्रेशन की कोई ऐसी पावर जिसकी आइडेंटिटी हमने आज तक नहीं सीखी, अगर कोई पावर दी होती है तो उसे सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम की एक छोटी सी ट्रिक है। तो फिजिक्स में हमने a प्लस बी का पावर 1 सीखा है, a प्लस बी का पावर 2 सीखा है, a प्लस बी का पावर 3 सीखा है, a प्लस बी का पावर माइनस 1 तो नहीं सीखा। तो पावर को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा। एक बच्चा बोला क्या, वी विल गेट डेंसिटी डैश इज इक्वल टू डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, which proves this expression, I repeat my sentence, this expression proves that कि density हो जाती है, कम आ जाता है, जब टेम्परेचर में दम। बिल्कुल सही, यानी डेंसिटी हो जाती है कम जब टेम्परेचर में आ जाता है दम, यानी जब टेम्परेचर है बढ़ जाता तो वॉल्यूम है बढ़ जाती, लेकिन जब वॉल्यूम है बढ़ जाती तो डेंसिटी है घट जाती है। प्रूफ मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, देखो अच्छे से देखो, मैं हूं आगे से हट जाता, हट के मैं आपको हूं सीखा जाता, बातें सारी सीख कर, बातें सारी समझ कर, बातें समझ आ जाती, जब बातें आपको समझ आ जाती तो टेंशन सारी निकल जाती, जब टेंशन सारी निकल जाती तो कामयाबी जिंदगी को मिल जाती। प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आई होप जो मैंने सिखाया वो आपको समझ आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट The टॉपिक ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। करना है थोड़ा सा इंतजार, मत करना अपना समय तुम बेकार, लौट के आऊंगा, फिर से आऊंगा, अगला वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा और नया टॉपिक से कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे उसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस,
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़े जाने वाला अगला टॉपिक। तब तक के लिए करना है थोड़ा सा इंतजार, मत करिएगा अपना समय बेकार। डियर 11th क्लास के बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो करना ना भूले। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।